अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार लोग गिरफ्तार, चार पिस्तौल और कई कारतूस हुए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रथा अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने एक हथियार बनाने आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड निवासी राजीव ओझा और लक्ष्मी नारायण, उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी जनक सिंह और दिल्ली के जाफराबाद निवासी राशिद के रूप में हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जहांगीरपुरी में जाल बिछाकर जनक सिंह को दबोच लिया। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव के मुताबिक उसके पास से चार सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 16 कारतूस जब्त किए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज़ को फॉलो करें।